मल्टी कलर एलईडी मेरे हाथ में एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, इसमें दी हुई है तीन वायर, तीन तीन वायर दोनों में दी हुई है। इन वायर को कनेक्ट करना है और सबसे पहले मल्टी कलर एलईडी को इंस्टॉल करते हैं, एक को राइट साइड में करते हैं एक को लेफ्ट साइड में करते हैं। तो सीधा राइट साइड में चलते हैं और मल्टी कलर एलईडी को पहले इंस्टॉल करते हैं, बाद में मैं आपको वायरिंग वगैरह बता देता हूँ। तो सबसे पहले नट को ओपन कर लेते हैं। अगर आपके हॉर्न वगैरह नहीं इंस्टॉल हुए हैं तो आपको नट को ओपन कर लेना है। मेरे हॉर्न वगैरह इंस्टॉल हुए हैं इस वजह से मैं नट को सिर्फ लूज कर रहा हूँ। लूज करने के बाद जो एलईडी है, एलईडी का ये वाला हिस्सा, इसको आपको स्ट्रेट कर लेना है। तो सबसे पहले इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, कुछ स्टेप से देख सकते हैं। स्ट्रेट कर लेना है एलईडी का ये वाला हिस्सा। स्ट्रेट करने के बाद आपको फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के लिए आपको जो आपके रूट्स के हॉर्न है अगर आपके लगे हुए हैं तो आपको उसी में इस टाइप से लगाना है कि इस टाइप से देख सकते हैं एलईडी फिक्स हो जाएगी। तो जो आपका रूट्स के हॉर्न की पत्ती है उनमें से इसको अटैच करना है और नट को कस देना, फुल टाइट कर देना है। तो सबसे पहले मैं इनको फिक्स कर देता हूँ अच्छे से। तो ये देख सकते हैं अंदर की तरफ मैंने फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद नट को कस देते हैं। नट को कसने के बाद ये फुल टाइट हो जाएंगे। अगर आपका एक रूट्स के हॉर्न नहीं लगे हैं, डायरेक्ट आपकी पत्ती है, तो आपको डायरेक्ट नट कस देना है लगा के। हाँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं पूरी अच्छे तरीके से फिटिंग वगैरह हो चुकी है। इसी टाइप से आपको लेफ्ट साइड में भी लगा लेना। तो चलते हैं सीधा लेफ्ट साइड में, उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स लेफ्ट साइड वाले नट को भी आपको ओपन कर लेना है। 12 नंबर की की से आपको लेफ्ट साइड वाले नट को भी ओपन कर लेना है। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपके जो मल्टी कलर एलईडी की पत्ती है उसको स्ट्रेट कर लेना है। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट होने के बाद इसको भी उसी टाइप से फिक्स कर लेना है। जो आपकी रूट्स के हॉर्न की पत्ती है उसे में आपको अंदर के साइड इंस्टॉल कर देना है। इससे पूरा टाइट हो जाएगा और आपको दोबारा से नट कर देना है। एक बार मैं आपको फ्रंट लुक दे देता हूँ कि दोनों एलईडी लगने के बाद बाइक की लुक कैसी आती है।
हाँ तो फ्रेंड्स, दोनों एलईडी को मैंने कर लिया फिक्स, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। दोनों एलईडी की वायर को आपको लेके जाना है डोर वाइजर में, तो डोर वाइजर में दोनों वायर को लेके चलते हैं। एक राइट साइड में वायर मिल जाएगी, एक लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। दोनों वायर को इस टाइप से देख सकते हैं, टेप वगैरह करके डोर वाइजर तक लेके आना है। हाँ तो फ्रेंड्स, दोनों एलईडी की वायर मैंने निकाल लिए। ऊपर की तरफ देख सकते हैं, एक राइट साइड वाली एलईडी की, एक लेफ्ट साइड वाली एलईडी की। तो दोनों वायर जो है आपकी एलईडी की, तीन तीन वायर आपको दोनों साइड में मिल जाएगी, राइट वाली में और लेफ्ट वाली में। दोनों वायर को आपको अटैच कर लेना है। ब्लैक वाली वायर में ब्लैक वाली कर दी है, रेड वाली वायर में रेड वाली कर देनी है। रेड वाली मेन वायर है जिससे आपकी व्हाइट वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। येल्लो वाली वायर में येल्लो वाली वायर कनेक्ट कर देना है। तो येल्लो वाली वायर में येल्लो वाली कनेक्ट कर दिया, रेड वाली में रेड वाली, ब्लैक वाली में ब्लैक वाली। येल्लो वायर से आपकी मल्टी कलर एलईडी हो जाएगी, जब इसमें करंट जाएगा तो आपकी एलईडी में कलर चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने कर लिया कनेक्ट, उसके बाद डोर वाइजर को ओपन करना है। डोर वाइजर को ओपन करने के लिए 10 नंबर की की चाहिए। 10 नंबर की की से एक राइट साइड में नट मिल जाएगा, एक लेफ्ट साइड में नट मिल जाएगा। दोनों नट को ओपन कर लेना है। तो राइट साइड नट को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, राइट वाले नट को मैंने ओपन कर लिया है, लेफ्ट वाले नट को ओपन कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, दोनों नटों को कर लिया ओपन। दोनों नटों को ओपन करने के बाद जो आपका डोर वाइजर है, डोर वाइजर को निकाल लेना है बाहर की तरफ। जो आपके इंडिकेटर के वायर वगैरह है उनको भी हटा देना है। बार मैं आपको वायरिंग वगैरह का बता देता हूँ। जो आपकी ब्लैक वाली वायर आई है एलईडी में से, उसको आपको एक वायर एक्स्ट्रा लेके उससे कनेक्ट कर लेना है। और ये जो डायरेक्ट वायर आपकी जाएगी अर्थिंग में, तो इसको आप बाइक में किसी भी जगह पे यूज कर सकते हो, किसी भी नट वगैरह पे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और एक आपको एक्स्ट्रा वायर ले लेनी है और जो दोनों वायर है उनसे कनेक्ट कर लेनी है। एक आपको रेड और ब्लैक वाली एक्स्ट्रा वायर मैंने ले ली है, रेड वायर में रेड वायर कनेक्ट कर देता हूँ और जो येलो वायर है येलो वायर में ब्लैक वायर कनेक्ट कर देता हूँ। ये दोनों प्लस प्लस की वायर है, इनको दोनों पे प्लस प्लस पे लगा देना है। तो वायर है जी डायरेक्ट आई है एलईडी लाइट में से, जो कि दोनों वायर थी उनको कनेक्ट करके अंदर की तरफ निकाला था डोर वाइजर के। ये जो वायर है जी अर्थिंग की वायर है, ब्लैक वाली वायर जो कि कनेक्ट की थी एक्स्ट्रा वाली वायर। इसको अर्थिंग की वायर को अर्थिंग में कहीं पे भी कनेक्ट कर देना है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ लाइट में। हाँ तो फ्रेंड्स, इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग का कनेक्शन कर दिया है। जो वायर है ये दोनों प्लस प्लस की वायर है, इसमें आपको दोनों में स्विच लगाना पड़ेगा। एक एक में अलग स्विच लगाना है, एक में अलग स्विच लगाना है। तो चलिए स्विच लगा देते हैं इनमें दोनों में। स्विच है जो पहले से ही कनेक्ट किया हुआ है, जो कि आपकी वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस स्विच को कैसे कनेक्ट करना है। तो एक राइट साइड में इसको वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि रेड वाली वायर है। तो रेड वाली वायर को एक स्विच के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। एक साइड में मैंने रेड वायर को अटैच कर दिया है स्विच में, दूसरे साइड में ब्लैक वायर को अटैच कर देते हैं स्विच में। दोनों वायर को मैंने अटैच करने के बाद आपको एक लेनी है एक्स्ट्रा वायर। एक्स्ट्रा वायर स्विच की दूसरी तरफ लगा देनी है। तो एक एक्स्ट्रा वायर मैंने ले लिया, तो स्विच की दूसरी साइड में एक्स्ट्रा वायर को लगा देते हैं। वायर देख रहे हैं, ये दोनों स्विच में से वायर आई हुई है। ये दोनों स्विच की वायर को कनेक्ट कर देना है आपस में। आपस में कनेक्ट करने के बाद ये दोनों स्विच की वायर को डायरेक्ट आपको प्लस में लगा देना है। कहीं पे भी प्लस में लगा सकते हो। आपकी जो स्विच में रेड वायर है उसमें आपको ये वाली वायर को कनेक्ट कर देना है। तो जल्दी से मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं कि एलईडी वर्क कर रही है या नहीं। हाँ तो फ्रेंड्स, लाइट वगैरह मैंने कर लिया इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद डोर वाइजर को कर लेते हैं फिक्स। डोर वाइजर को फिक्स करने के लिए पहले आपको इंडिकेटर वगैरह के वायर वगैरह फिक्स कर लेने हैं, जैसे कि आपने ओपन किए हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, इंडिकेटर वगैरह के वायर वगैरह फिक्स करने के बाद दो आपको नट मिल जाएंगे, एक आपको राइट साइड में मिल जाएगा, एक आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। दोनों को कस लेना है।